गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज चैप्टर इज चैप्टर नंबर 12 द पास्ट टेंस. ठीक है, चैप्टर नंबर 12 द पास्ट टेंस. टेंसेस विच टेल्स अस द टाइम, मतलब जो वो वर्ड्स जो हमें एक सिचुएशन में जो चीज़ हो रही होती है, जो एक्शन हो रहा होता है, उसका टाइम बताता है. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, टेंसेस. और पास्ट का मतलब होता है जो चीज़ हो चुकी है पहले. ठीक है, जैसे कि You were playing in the park, मतलब कि आप पार्क में खेल रहे थे, तो वो जो थे आ जाता है. ठीक है, जो थे आ जाता है वो क्या होता है, पास्ट में वो चीज़ हो चुकी है, तो क्या होगा, द पास्ट टेंस. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सिंपल पास्ट टेंस. द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू शो एक्शंस विच हैव हैपन्ड सम टाइम इन द पास्ट. मतलब कि जो सिंपल पास्ट टेंस है वो हम यूज़ करते हैं एक्शंस को शो करने के लिए जो पहले ऑलरेडी हो चुके होते हैं. फॉर एग्जांपल, दे इनवाइटेड अस टू देयर पार्टी, मतलब कि उन्होंने हमें पार्टी में इनवाइट किया था. ठीक है, जो वो था आ गया कि उन्होंने पार्टी में इनवाइट किया था, तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस. ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस हो गया वो. ठीक है, एफर्मेटिव इज फॉर्म्ड एज, एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस. ठीक है, और नेगेटिव में जैसे मैंने अभी पहले वाले चैप्टर में बताया था कि नॉट लग जाता है, ऐसे अफर्मेटिव में नॉट नहीं लगता, मतलब वो पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता है. तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. मतलब सब्जेक्ट जो होता है वो होता है जिसके साथ वो सिचुएशन हो रही होती है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मैंने अभी बताया था कि यू आर प्लेइंग इन द पार्क, मतलब तुम पार्क में खेल रहे थे. ठीक है, तो जो तुम हो गया, यू जो हो गया, यू वर्ड, यू वर प्लेइंग इन द पार्क, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, अब प्लेइंग जो हो गया, यू वर प्लेइंग, या यू प्लेड इन द पार्क, प्लेड जो हो गया, प्लेड, यू प्लेड इन द पार्क, ये क्या हो गया, पास्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. मेन वर्ब क्या हो गई, प्ले. अब इसके साथ जो ईडी आ जाता है, ठीक है, वो क्या हो गया, पास्ट टेंस. वो जिस भी वर्ब के साथ ईडी आ जाता है वो क्या हमें डिनोट करता है, कि वो पास्ट टेंस है. ठीक है, फॉर एग्जांपल, शी बॉट अ बुक. शी क्या हो गया इसमें सब्जेक्ट, और बॉट क्या हो गया, बाय का, मतलब उसने बुक खरीदी, बाय का क्या हो गया, पास्ट टेंस. ठीक है, पास्ट फॉर्म हो गई बाय की, बॉट अ बुक, उसने बुक खरीदी थी. ठीक है, उसने बुक खरीदी. अब नेक्स्ट इज नेगेटिव इज फॉर्म्ड एज, नेगेटिव सेंटेंस जो है जिसमें नॉट लगता है. ठीक है, उसको वो कैसे सेंटेंस बनता है, डिड नॉट, डिड प्लस नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. अब जहाँ पे डिड नॉट लग जाता है ना, तो जैसे मैंने अभी बोला था कि एफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें ईडी लग जाता है या पास्ट फॉर्म लग जाती है किसी वर्ब की, उसमें नेगेटिव फॉर्म में वो जो वर्ब की मेन फॉर्म जो होती है, प्रेजेंट फॉर्म, वो ही लगती है. जैसे बाय का यहाँ पे बॉट हो गया था ना, तो जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें बाय का बॉट नहीं होगा, उसमें बाय ही रहेगा. ठीक है, या अगर हम प्ले लिखते हैं तो प्ले का प्लेड नहीं होगा, जहाँ पे डिड नॉट लिखा होगा वहाँ पे प्ले ही रहेगा, ईडी नहीं आएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल, शी डिड नॉट बाय अ बुक. इसने ये तो नहीं लिखा ना कि शी डिड नॉट बॉट अ बुक, वो चीज़ गलत होगी, वो सेंटेंस गलत है. इसमें क्या लिखा है, शी डिड नॉट बाय अ बुक. शी मतलब सब्जेक्ट, डिड नॉट मतलब कि ये नेगेटिव फॉर्म, बाय बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. ठीक है, इंटरोगेटिव मैंने भी बताया था, क्वेश्चन मार्क वाला, डिड प्लस सब्जेक्ट. अब इसमें नॉट पहले नहीं आता, ठीक है, इंटरोगेटिव में जो सब्जेक्ट है वो पहले आएगा. ठीक है, तो सब डिड आएगा प्लस सब्जेक्ट मतलब शी, अब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब बाय. अब यहाँ पे जहाँ पे भी डिड आ जाता है, ठीक है, डिड के साथ हमेशा ईडी या जो पास्ट फॉर्म होती है वर्ब की वो नहीं लगती है. जैसे सिंपल लिखा होता है, सिंपल वही लिखना होता है आपको आंसर में भी. ठीक है, डिड शी बाय अ बुक. अब इसमें बॉट तो नहीं आया ना बाय का, क्यों, क्योंकि बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगी हुई है, क्यों, यहाँ पर डेड है. ठीक है, डेड, शी क्या है, सब्जेक्ट, और बाय का है बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. ठीक है,
दिस इज़ योर बुक वर्क, मैं आपको भेज दूँगी, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इंटू सिंपल पास्ट टेंस, मतलब हमें सिंपल पास्ट टेंस में इन सेंटेंसेस को चेंज करना है। द लिटिल गर्ल लाफ्स एट द बॉय, अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, लाफ्स एट द बॉय, तो इसका क्या हो जाएगा, द लिटिल गर्ल लाफ्ड एट द बॉय, जो लिटिल गर्ल थी वो बॉय के ऊपर हंसी थी, ठीक है, लाफ्ड आ जाएगा। ये भी जो लाफ है ना, एस की जगह हट के क्या आ जाएगा, ई डी लग जाएगा, ठीक है, ई डी, ठीक है। अब आपको जैसे प्रेजेंट टेंस में पास्ट टेंस में चेंज करना होता है ना, तो ई डी लगा देना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज दे डू नॉट वेट फॉर एनीबडी, अब दे डू का क्या हो जाएगा, डिड, नॉट वेट, अब इसमें वेटेड या वेटेड तो नहीं आया ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिड आ गया, तो ये चीज़ सेम इधर हम लिख देंगे, फॉर एनीबडी, दे डिड नॉट वेट फॉर एनीबडी। अब नेक्स्ट इज हु टीचेज यू इंग्लिश, अब यहाँ पे ना डेड है ना कुछ है, सिंपल सेंटेंस है ना, तो उसमें क्या आएगा, हु टीचेस का पास्ट टेंस क्या होता है, टॉट, हु टॉट यू इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट इज डज शी डांस वेल, डज का क्या हो जाएगा, डेड, ठीक है, डज का भी डेड हो जाता है, डू का भी डेड होता है, शी मतलब सब्जेक्ट, अब डांस क्या है, ये डेड आ गया ना, तो डांस को एज इट इज़ हम इधर लिख देंगे, ये इसकी फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। डिड शी डांस वेल, अब ये कौन सा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया ना, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये क्या था, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, और ये वाला क्या था, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, इसमें नॉट नहीं लग रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ टाइम टू स्टार्ट, तो इट की जगह दैट हो जाएगा अब, ठीक है, पास्ट टेंस में इट नहीं लिखते हम, अगर प्रेजेंट टेंस में इट लिखा होता है ना, तो अगर पास्ट टेंस में हमें चेंज करना होता है इट को, तो दैट लगता है, ठीक है। दैट इसका क्या हो जाएगा, वॉज, टाइम टू स्टार्ट, ठीक है, इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, वॉज, ठीक है, पता है ना आपको। अब हम आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, मतलब कि वो चीज़ पास्ट में हो रही थी, ठीक है। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रेफर्स टू कंटिन्यूइंग एक्शन और स्टेट दैट वॉज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट, मतलब यू वर प्लेइंग इन द पार्क, अब जो मैंने सेंटेंस बताया था, यू वर प्लेइंग इन द पार्क, यू वर प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है, तो ये यू वर प्लेइंग, तो ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कि तुम पार्क में खेल रहे थे, ठीक है। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द पास्ट टेंस ऑफ टू बी, मतलब वॉज या वर लग जाता है, जैसे मैंने भी बताया वर लग गया ना यहाँ पर, विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, एडिंग आई एन जी विद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब प्ले बेस फॉर्म हो गई और इसके साथ क्या लग गया, आई एन जी। अब जहाँ पर वॉज या आई एन जी या वर या आई एन जी लग जाता है ना, तो वो क्या होती है, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होती है वो। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वॉचिंग टी वी, मतलब मैं टी वी देख रहा था, वॉज वॉचिंग आ गया, ठीक है, एक तो आई एन जी लग गया और वॉज लग गया, तो ये कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट इज आई वॉज हैविंग ए ब्यूटिफुल ड्रीम, मतलब यहाँ पे वॉज लग गया और आई एन जी लग गया, ठीक है, तो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। द वर्ब्स वॉज वॉचिंग एंड वॉज हैविंग आर इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड एज फॉलोज, टू बी मतलब वॉज या वर प्लस वर्ब मतलब हैव या वॉच प्लस आई एन जी, हैव या वॉच के साथ क्या लग गया, आई एन जी, और टू बी मतलब वॉज या वर, ठीक है। अब एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई के साथ वॉज आएगा, ठीक है, वर नहीं आता।